हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो गाइज, हमने जो मिलियन माइंड्स इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट की सीरीज चलाई हुई है, उसमें हम आज प्रैक्टिस सेट 14 सॉल्व करने वाले हैं। और प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर के 13 में पहले अपलोड कर चुकी हूँ। जो आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और हमने डॉक्टर रंजीत सिंह की TGT इंग्लिश की बुक से भी कुछ प्रैक्टिस सेट्स जो अपलोड किए हुए हैं, जो कि हमारे परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं, तो वो भी आप प्लेलिस्ट से जा कर के देख सकते हैं। सो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। प्रैक्टिस सेट 14, क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ ट्रांसफर्ड एपिथेट। तो हमें फर्स्ट में क्या बताना है, ट्रांसफर एपिथेट का हमें यहाँ पे एग्जाम्पल बताना है। सो ए, आई एम द मोनार्क ऑफ ऑल, आई सर्वे। बी, ही इज अ वुल्फ। सी, द प्लोमैन होमवर्ड प्लोट्स वेरी वे। एंड डी, ही इज द हेयर अपेरेंट। सो क्वेश्चन नंबर 1, द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर। द प्लोमैन होमवर्ड प्लोट्स वेरी वे। तो ट्रांसफर एपिथेट क्या होता है? एपिथेट हम लगा सकते हैं कि एपिथेट मीन्स एडजेक्टिव। अगर एडजेक्टिव को ट्रांसफर कर दिया जाए, जैसे वे है, वे वियरी नहीं हो सकता, लेकिन ये जो वियरी है वे के लिए लगाया है। वियरी किसके लिए यूज होना चाहिए? प्लोमैन के लिए। जब कोई एडजेक्टिव जिस नाउन के लिए यूज होना है उसके लिए यूज ना होकर के किसी दूसरी नाउन के साथ यूज होता है, तो वो हमारा ट्रांसफर एपिथेट हो जाता है। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी। क्वेश्चन नंबर 2, इलियट्स अ गेम ऑफ चेस एंड्स विद रिपीटेड गुड नाइट्स टू लेडीज। सो विच शेक्सपियरियन प्लेज डज इट रिमाइंड अस ऑफ। तो देखते हैं, ऑप्शन ए किंग लियर, बी हैमलेट, सी मैकबेथ एंड डी ओथेलो। सो क्वेश्चन नंबर 2, द करेक्ट आंसर विल बी बी हेयर, हैमलेट। और हैमलेट कब लिखा गया था? 1600 to 1601 में। देन क्वेश्चन नंबर 3, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। तो आप अच्छे से देख लीजिए चारों स्पेलिंग्स, यहाँ पे हमें यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग फाइंड आउट करनी है। सो हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, हैमरेज। सो एच ए ई एम ओ डबल आर एच ए जी ई, हैमरेज। इसमें कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं करना है, स्पेलिंग्स को हमें सिर्फ रटना है अच्छे से। एच ए ई एम ओ डबल आर एच ए जी ई, हैमरेज। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे देख लेते हैं दोबारा से, करेक्ट स्पेलिंग बतानी है हमें। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए, कॉन्स्पिक्यूअस, सी ओ एन एस पी आई सी यू ओ यू एस, कॉन्स्पिक्यूअस। क्वेश्चन नंबर 5, सिजेरियन, यहाँ पे भी करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर, सिजेरियन, सी ए ई एस ए आर ई ए एन, एस ए ई सॉरी सी ए ई एस ए आर ई ए एन, सिजेरियन। ऐसी हमें दो दो बार इसको रिपीट करना है जिससे हमें लर्न हो जाए। देन क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग अगेन। सो देख लीजिए चारों ऑप्शन अच्छे से। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए, एफिशिएंट, ई डबल एफ आई सी आई ई एन टी, एफिशिएंट। क्वेश्चन नंबर 7, सो द करेक्ट स्पेलिंग इज ए एस ओ यू वी ई एन आई आर। सो एस ओ यू वी ई एन आई आर। देन क्वेश्चन नंबर 8, शेक्सपियर इज अ डैश बाय अर्नोल्ड। तो शेक्सपियर जो लिखा है अर्नोल्ड ने, वो बताना है उसका जेनर क्या है। सो ए पोम, बी सोनेट, सी वर्स पोम एंड डी वर्स प्रोज। सो क्वेश्चन नंबर 8, द करेक्ट आंसर विल बी बी सोनेट। तो शेक्सपियर इज अ सोनेट रिटन बाय अर्नोल्ड। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे क्या करना है, चूज द करेक्ट वर्ब फ्रॉम वर्ब फॉर्म ऑफ डिलीवरी। तो डिलीवरी का हमें वर्ब बताना है क्या होगा। सो डिलीवर, डिलीवरेंस, डिलीवरर और नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 9, द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए हेयर, डिलीवर। क्वेश्चन नंबर 10,
all the participants received a token gift for their participated in the discussions. So यहाँ पे जो underline portion है उसके place पे हमें जो right option find out करके लिखना है. So A for their participation, B by their participants, C because they participating, D for their participation and E no correction required. So question number 10, the correct answer will be A for their participating. So don't be confused here कि यहाँ पे for their participation आएगा. क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे देख लेते हैं for जब preposition होती है, preposition है यहाँ पे, इसके बाद ये दे दिया हुआ है यहाँ पे determiner, और इसके बाद में हमें क्या लिखना होता है, noun लिखना होता है. और noun form, noun जो form है हम कैसे जो उसको बना सकते हैं, participate हो गया हमारा verb और इसमें जब हम ing को add कर देते हैं तो ये gerund बन जाता है, और gerund हमारा noun की तरह function करता है. तो A is correct answer here. Question number 11, he was so learned that he had seen know everything. तो यहाँ पे अगेन हमें अंडरलाइन के प्लेस पे देखना है क्या आएगा. ए सीम टू नो, बी वाज सीम टू बी नोन, सी वाज सीम्ड नोइंग एंड डी सीम्ड टू बी नोन एंड ई नो करेक्शन रिक्वायर्ड. सो क्वेश्चन नंबर 11, द करेक्ट आंसर विल बी ए सीम्ड टू नो. ही वाज सो लर्न्ड दैट ही हैड सीन, सॉरी ही हैड सीम्ड to know everything. Got it? Question number 12. Select a correct group of writers belong to the Bloomsbury group. तो इसमें हमें Bloomsbury group बताना है कौन से writers का है. So चारों option यहाँ पे आप अच्छे से देख लीजिए. So question number 12, the correct answer will be A. So Lytton Strachey, Virginia Woolf, E.M. Forster and Roger Fry. Then question number 13, correct the following sentence. अब हमें इसको correct करना है. It was bitter cold. So what will come here? A. It was cold bitterly. B. It was awful coldly. C. It was cold bitter. And D. It was bitterly cold. So question number 13, the correct answer is D. It was bitterly cold. Question number 15, the new headmaster affected many changes in the school. तो इस affected के place पे क्या आना है ये हमें यहाँ देखना है. So A injected, B affected, C inflicted and D no improvement. So question number 14, the correct answer is B here, affected. Question number 15, the antonym of strapped is. तो strapped का हमें यहाँ antonym बताना है क्या है. So A ineptitude, B reach, C uncertainty and D inability. So the correct answer will be B reach. और इस strapped का मीनिंग क्या होता है, दैट मीन्स शॉर्ट ऑफ मनी, मीन्स पैसे की कमी. सो strapped मीन्स शॉर्ट ऑफ मनी. तो इसका जो करेक्ट आंसर एंटोनिम हो जाएगा दैट इज रिच. क्वेश्चन नंबर 16, द एंटोनिम ऑफ एसोटेरिक. सो एसोटेरिक का मीनिंग हमें यहाँ बताना है, एंटोनिम बताना है यहाँ पे. सो ए क्लियर, बी ट्रांसपेरेंट, सी सिंपल एंड डी अपरेंट. सो क्वेश्चन नंबर 16, द करेक्ट आंसर विल बी डी हेयर अपरेंट. और इस एसोटेरिक का मीनिंग यहाँ पे हो गया है सीक्रेट, गुप्त. एसोटेरिक का मतलब होता है गुप्त, और इसका जो एंटोनिम हो जाएगा दैट इज अपरेंट. अपरेंट मीन्स क्लियर होता है, स्पष्ट होता है. एंड क्वेश्चन नंबर 16, द एंटोनिम ऑफ स्वेव. तो स्वेव का यहाँ हमें एंटोनिम बताना है, ऑपोजिट वर्ड बताना है. सो ए कोऑपरेटिव, बी होटी,
सी रिवोल्यूशनरी एंड डी अनइंटरेस्टेड. सो क्वेश्चन नंबर 17 द करेक्ट आंसर विल बी बी हेयर होटी. अब देख लेते हैं स्वेव का मीनिंग क्या होता है. स्वेव का मीनिंग होता है श्रेष्ठ, और ये जो होटी होता है ये कौन होता है, घमंडी. देन क्वेश्चन नंबर 18 शेक्सपियर वाज द होमर और फादर ऑफ आवर ड्रामेटिक पोइट्स. जॉनसन वाज द वर्जिल द पैटर्न ऑफ इलेबोरेट राइटिंग. आई एडमायर्ड हिम बट आई लव शेक्सपियर. सो हु ओपिन्स दिस. तो ये जो ओपिनियन है ये किसकी है या किसने ये बोला है. ए विलियम वर्ड्सवर्थ, बी जॉन ड्राइडन, सी एस टी कॉलरेज एंड डी बेन जॉनसन. सो क्वेश्चन नंबर 18 द करेक्ट आंसर विल बी बी हेयर, जॉन ड्राइडन. क्वेश्चन नंबर 19 ऑन बीइंग आस्क्ड बाय द जज इफ ही हैड मर्डर्ड हिज वाइफ डिनाइड द चार्ज. तो इस डिनाइड के प्लेस पे देखते हैं क्या आना है. सो ए रिफ्यूज्ड, बी रिवर्टेड, सी कॉन्ट्राडिक्शन एंड डी नो इम्प्रूवमेंट. तो देखते हैं जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका. सो इस रिफ्यूज का मतलब होता है डिनाई करना. मीन्स दोनों का सेम ही यहाँ पे सेंस है. रिफ्यूज मीन्स भी मना करना और डिनाइड मीन्स भी मना करना. फिर ये जो रिब्यूटेड दिया हुआ है, रिब्यूटेड का मीनिंग होता है निश्चित रूप से किसी से मुकाबला करना. ओके एंड कंट्राडिक्ट. सो कंट्राडिक्टेड का मीनिंग होता है किसी का विरोध करना एंड नो इम्प्रूवमेंट. सो क्वेश्चन नंबर 19 व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर हेयर. सो द करेक्ट आंसर विल बी डी, नो इम्प्रूवमेंट. मीन्स ये जो क्वेश्चन है ये करेक्ट है, इसमें कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है. क्वेश्चन नंबर 20 चेंज द वॉइस. वॉइस देख लेते हैं, एक्टिव टू पैसिव हमें चेंज करना है यहाँ पे. वन शुड कीप वंस प्रोमिस. तो ऑप्शन ए वन शुड नॉट कीप अ प्रोमिस, बी कीपिंग अ प्रोमिस इज बैड, सी अ प्रोमिस शुड बी कैप्ट एंड डी Do not keep a promise. So question number 20 the correct option is C here. क्योंकि जब यहाँ पे कोई indefinite pronoun आया है तो हमें यहाँ पे subject की जरूरत नहीं होती. Okay, so a promise should be kept. Question number 21 which of the following sentences is in passive voice. अब हमें इनमें से छांटना है कि कौन सा passive voice में दिया है. सो ए आई वॉन्ट टू प्ले हेयर, बी सी नोज हिम वेरी वेल, सी यू कैन नॉट कम्पीट इट एंड डी सी वॉज अवॉर्डेड स्कॉलरशिप. सो क्वेश्चन नंबर 21 द करेक्ट आंसर विल बी डी हेयर. वाई, क्योंकि यहाँ पे इज आर एम वाज वर इन सब के साथ क्या होता है, थर्ड फॉर्म नहीं आती वर्ब की, लेकिन यहाँ पे थर्ड फॉर्म आई है, दैट मीन्स इट इज पैसिव वॉइस. पैसिव वॉइस में इज आर एम वाज वर्ब के साथ हम हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करते हैं वर्ब की. क्वेश्चन नंबर 22 विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज नॉट इन पैसिव वॉइस. तो इनमें से कौन सा पैसिव वॉइस में नहीं है, मींस एक्टिव वॉइस हमें फाइंड आउट करनी है यहाँ. सो ए दैट प्रोनंसिएशन ऑफ द वर्ड वाज नॉट इंटेंडेड By the speaker in his speech. तो वाज के साथ यहाँ पे थर्ड फॉर्म आ गई, दैट इज रॉन्ग. आई एम श्योर यू विल बी अवॉर्डेड. तो विल बी के साथ यहाँ अवॉर्डेड थर्ड फॉर्म आई है. सी माई अंकल सीक्स एन अपॉइंटमेंट विद यू एंड डी वी आर श्योर टू बी गाइडेड. यहाँ पे आर आया है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म आई है, इसको भी अलग हटाते हैं. सो द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर. 22 द करेक्ट आंसर इज सी. 23 क्वेश्चन फाइंड आउट द टेंस इन. अब हमें यहाँ टेंस बताना है. सो आई रीड हार्डीज नोवल. तो इसमें हमें बताना है कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट सिंपल, पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट सिंपल. सो क्वेश्चन नंबर 23 द करेक्ट आंसर इज बी हेयर, पास्ट सिंपल. आई रेड हार्डीज नोवल, मैंने हार्डी की नोवल्स पढ़ी.
और इसमें जो अगर हम यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट भी करते हैं तो वो भी ठीक होना चाहिए, लेकिन सेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे पास्ट कर दिया है, क्योंकि रीड जो है फर्स्ट फॉर्म भी होती है और सेकंड फॉर्म भी होती है। देन क्वेश्चन नंबर 24, विच फिगर ऑफ स्पीच इज ऑल्सो नोन एज इकोइज्म। तो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का दूसरा नाम क्या है, इकोइज्म है। सो ए ओनोमेटोपोइया, बी एसोनेंस, सी एंटीथेसिस एंड डी एलिट्रेशन। सो क्वेश्चन नंबर 24, द करेक्ट आंसर विल बी ए हेयर, ओनोमेटोपोइया। क्वेश्चन नंबर 25, सो यहाँ पे हमें क्या करना है, सिनोनिम फाइंड आउट करनी है। जैसे रिपास्ट, तो रिपास्ट का हमें सिनोनिम बताना है यहाँ। सो ऑप्शन ए साइन, बी अ बैंकेट, सी बीविस्ट एंड डी पास्ट टेंस। सो क्वेश्चन नंबर 25, द करेक्ट आंसर विल बी बी हेयर, अ बैंकेट। सो ये जो रिपास्ट होता है, रिपास्ट का मीनिंग होता है दावत, दावत या खाना। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज अ बैंकेट। देन क्वेश्चन नंबर 26, परकी। तो इस परकी का हमें यहाँ सिनोनिम बताना है, चीयरफुल, अ टाइप ऑफ चीज, सी पर्क्स एंड डी सैलेराइड। सो क्वेश्चन नंबर 26, द करेक्ट आंसर विल बी ए हेयर, चीयरफुल। अब देख लेते हैं परकी का मीनिंग। सो इस परकी का मीनिंग होता है दिलेर। देन क्वेश्चन नंबर 27, परमिएट। सो परमिएट मीन्स हमें बताना है इसका सिनोनिम। सो पैट्रियोटिक, परवेड, रोट और इकोइज्म। सो द करेक्ट आंसर विल बी हेयर, परवेड। सो परमिएट का जो मीनिंग होता है वो है दैट मीन्स चूना। देन क्वेश्चन नंबर 28, चेंज द वॉइस। अब हमें यहाँ चेंज द वॉइस में एक्टिव टू पैसिव चेंज करना है। द न्यूज प्लीज्ड हिम। सो ही वॉज प्लीज्ड बाय द न्यूज, बी ही वॉज प्लीज्ड विद द न्यूज, सी ही वॉज प्लीज्ड टू द न्यूज एंड डी नन ऑफ दीज। सो क्वेश्चन नंबर 28, द करेक्ट आंसर विल बी हेयर, ही वॉज प्लीज्ड विद द न्यूज। जब यहाँ पे कोई पर्सन आता है तो हम यहाँ बाय यूज करते हैं, लेकिन यहाँ कोई पर्सन नहीं है, न्यूज के साथ हम विद का यूज करेंगे। सो बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, चेंज द वॉइस, दे मे फिनिश द वर्क सून। सो द वर्क मे बी फिनिश्ड सून, बी द वर्क माइट बी फिनिश्ड सून, सी द वर्क माइट फिनिश सून एंड डी नन ऑफ दीज। सो सबसे इजी तो यहाँ पे यही है, यहाँ पे मे दिया हुआ हेल्पिंग वर्ब, तो हमारा मे वाला करेक्ट होगा, तो माइट वाला अलग हटा देते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 29, द करेक्ट ऑप्शन इज ए, द वर्क मे बी फिनिश्ड सून। देन 30 क्वेश्चन, आई एम टायर्ड, आई कैन नॉट बी एबल टू क्लाइंब दिस हिल नाउ। सो कैन नॉट बी एबल के प्लेस पे क्या आएगा, कैन बी एबल, बी विल नॉट बी एबल, सी विल नॉट बी पॉसिबल एंड डी नो इम्प्रूवमेंट। सो क्वेश्चन नंबर 30, द करेक्ट आंसर विल बी हेयर, एज आई एम टायर्ड आई विल नॉट बी एबल टू क्लाइंब दिस हिल नाउ। क्वेश्चन नंबर 31, आई शुड नॉट स्पेंड मनी फॉर लग्जरीज। तो ओन लग्जरीज, बी इन लग्जरीज, सी थ्रू लग्जरीज और डी नो इम्प्रूवमेंट। सो देखते हैं क्या करेक्ट प्रेपोजिशन हो जाएगी इसके साथ। 31 क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर विल बी ए, ओन लग्जरीज। क्वेश्चन नंबर 32, डिवाइना कॉमेडिया इज रिटन बाय। सो लोंगिनस, होरेस, दांते एलिगरी और डी एरिस्टोटल। सो क्वेश्चन नंबर 32, द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर, दांते एलिगरी। क्वेश्चन नंबर 33,
चूज द राइट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ शेक्सपियर्स फोर ट्रेजिडीज. बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है ये, कई बार पहले आया हुआ भी है. सो 33 द करेक्ट आंसर विल बी ए. तो इसका जो सीक्वेंस है दैट इज एच ओ के एम. एच फॉर हेमलेट, ओ फॉर ओथेलो, के फॉर किंग लियर एंड एम फॉर मैकबेथ. हेमलेट हमारा कब आया था? 1600 to 1601 में. और जो ओथेलो था ये आया था 1602 और 1603, छोड़ना है. उसके बाद 1603 to 1604. देन किंग लियर 1605 एंड मैकबेथ 1606. सो द करेक्ट आंसर विल बी ए हेयर. हेमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ. क्वेश्चन नंबर 34. आई स्टाइल फुल ऑफ वर्ड्स इज वर्बोज, ग्रेटिस, टेम्पोरल और वर्बेटिम. सो क्वेश्चन नंबर 34, द करेक्ट आंसर विल बी ए हेयर, वर्बोज. 35 क्वेश्चन. क्लूज अवेलेबल एट द सीन. सो हिंट, कंडीशनल, सर्कमस्टेंशियल एंड डी विजन. सो 35 क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर इज सी हेयर, सर्कमस्टेंशियल. 36 क्वेश्चन. अ स्मॉल एनक्लोजर फॉर कैटल एक्सेट्रा इज नोन एज फौना, पैन, कोडिसिल और पैन. सो 36 क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर विल बी बी हेयर, पैन. 37 क्वेश्चन. दीज आर योर न्यू शूज, सो aren't they. यहाँ में क्वेश्चन टैग फिल करना है, क्या करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे. सो isn't it, बी इज इट सो, सी आर दे और डी नो इम्प्रूवमेंट. सो क्वेश्चन नंबर 37, द करेक्ट आंसर विल बी डी, नो इम्प्रूवमेंट. वाई? क्योंकि यहाँ पे आर दिया हुआ है तो यहाँ आर ही आएगा. ये हमारा पॉजिटिव में है तो ये नेगेटिव में बनेगा. और डीज सूज के लिए यहाँ हमारा सब्जेक्ट दे हो जाएगा. तो डी इज करेक्ट आंसर, नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर. 38 क्वेश्चन. ही टोल्ड टू अस एवरीथिंग ही न्यू. तो यहाँ अंडरलाइन पार्ट के प्लेस पे देखते हैं क्या आएगा. अस एवरीथिंग ही न्यू, बी अस एवरीथिंग ही इज नोइंग, सी अस एवरीथिंग ही वॉज नोइंग एंड डी नो इम्प्रूवमेंट. सो क्वेश्चन नंबर 38, सबसे पहले देखिए नो के साथ हम कभी भी आईएनजी यूज नहीं करते, तो ये दोनों तो रॉन्ग हो जाएंगे. अब बचता है ए. ही टोल्ड अस एवरीथिंग ही न्यू, सो ए इज करेक्ट आंसर. ही टोल्ड अस एवरीथिंग ही न्यू. एंड डोंट बी कन्फ्यूज कि ये दोनों सेम ही है, क्योंकि ये मुझे लगता है अंडरलाइन पोर्शन में टू भी आना चाहिए था. तो ही टोल्ड अस, ना कि ही टोल्ड टू अस. गॉट इट? तो ए हमारा करेक्ट है यहाँ पे. 39 क्वेश्चन. अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड यू वॉन्ट सक्सीड इन लाइफ. सो यहाँ पे अनलेस आया है. अनलेस हमारा नेगेटिव वर्ड होते हैं, तो इनके साथ हम कभी भी नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करते. तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर. ऑप्शन ए कैन नॉट वर्क हार्ड, बी विल नॉट वर्क हार्ड, सी वर्क हार्ड एंड डी नो इम्प्रूवमेंट. सो 39, द करेक्ट ऑप्शन इज सी हेयर, वर्क हार्ड, क्योंकि बाकी सब में इन्होंने नेगेटिव वर्ड लिए हुए हैं. तो हमारा सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. देन 40 क्वेश्चन. आउट ऑफ दिस हाउस सैड राइडर टू रीडर, योर्स नेवर विल सैड फेयरर टू फेयरर, दे आर लुकिंग फॉर यू सैड हियरर टू होरर. इन दिस एग्जाम्पल द रिपीटेशन ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ कॉन्सोनेंट्स टेक्स प्लेस. विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज इन दिस एग्जाम्पल. तो यहाँ पे इन वर्ड्स को अच्छे से देख लीजिए. राइडर, रीडर, दोनों सेम जो है राइमिंग आ रही है यहाँ पे. फेयरर, फियरर और हियरर एंड ओरर. तो इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं इनमें हमें बताना है कौन सा यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच आएगा. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी, पहले ऑप्शन बता देती हूँ. ऑप्शन ए एसोनेंस, बी एलिटेशन, सी ओनोमेटोपोइया एंड डी कॉन्सोनेंस. सो द करेक्ट आंसर विल बी डी, कॉन्सोनेंस.
इसमें क्या होता है, कॉन्सोनेंट रिपीट होते हैं और इसी तरह के कुछ राइमिंग साउंड्स बनाते हैं, एक ही वर्ड्स के लेटर से दूसरा कुछ राइमिंग साउंड्स बन जाता है। देन 31 क्वेश्चन, ही सेड टू हर, आर यू कमिंग टू पार्टी, इसका नरेशन बनाना है हमें। सो ही सेड टू हर, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क है तो सेड टू का क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा। ये यू हमारा सेकंड पर्सन है, दैट विल चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हर, तो यहाँ पे यू का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ पे हमारा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस दिया हुआ है तो हमारा पास्ट कॉन्टीन्यूअस में चेंज हो जाएगा। तो देख लेते हैं करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए ही आस्क्ड हर वेदर सी वाज कमिंग टू द पार्टी, बी ही टोल्ड हर इफ सी वाज कमिंग टू द पार्टी, सी ही आस्क्ड हर इफ सी वाज कमिंग टू द पार्टी, एंड डी ही आस्क्ड हर इफ सी विल बी कमिंग टू द पार्टी। सो क्वेश्चन नंबर 41, द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी, ही आस्क्ड हर इफ सी वाज कमिंग टू द पार्टी। यहाँ भी देखिए ही आस्क्ड हर वेदर सी वॉज कमिंग टू द पार्टी, तो मेरे अकॉर्डिंग ये दोनों ऑप्शन करेक्ट होने चाहिए क्योंकि इफ और वेदर दोनों कंजंक्शन हम यूज कर लेते हैं इंटेरोगेटिव में। ओके, तो ये दोनों ही ऑप्शन अगर आपने इसमें से ए भी लगाया है तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, लेकिन प्रैक्टिस सेट में इसका ऑप्शन सी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 42, प्लीज डोंट गो अवे सी सैड, तो यहाँ पे प्लीज आया है, सो ऑप्शन ए सी सैड टू प्लीज हर एंड नॉट टू गो अवे, बी सी टोल्ड मी नॉट टू गो अवे, सी सी बैग्ड दैट आई नॉट गो अवे, एंड डी सी बैग्ड मी नॉट टू गो अवे। सो क्वेश्चन नंबर 42, द करेक्ट ऑप्शन विल बी डी हेयर, सी बैग्ड मी नॉट टू गो अवे, क्योंकि प्लीज के जो प्लेस पे हम रिक्वेस्ट की जगह पे बैग्ड भी यूज कर सकते हैं, सो सी बैग्ड मी नॉट टू गो अवे। 43 क्वेश्चन, ही सेड टू देम डोंट मेक अ नॉइस, तो ही टोल्ड देम दैट डोंट मेक अ नॉइस, बी ही टोल्ड देम नॉट टू मेक अ नॉइस, सी ही टोल्ड देम नॉट टू मेक अ नॉइस, एंड डी ही आस्क्ड देम नॉट टू मेक अ नॉइस। सो क्वेश्चन नंबर 43, द करेक्ट ऑप्शन इज डी हेयर, ही आस्क्ड देम नॉट टू मेक अ नॉइस, यहाँ पे डोंट आ गया है तो इसके प्लेस पे नॉट टू हो जाएगा, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। क्वेश्चन नंबर 44, टी एस एलियट्स द वेस्ट लैंड इज रिटन इन, सो जो टी एस एलियट का वर्क है द वेस्ट लैंड, तो ये कौन मतलब किस चीज़ में लिखा है, हीरोइक कपलेट में, स्पेंसेरियन स्टेंजा, ब्लैंक वर्स और फ्री वर्स। सो क्वेश्चन नंबर 44, द करेक्ट ऑप्शन इज सी हेयर, ब्लैंक वर्स। 45 क्वेश्चन, डैश इज अ कॉमिक कैरेक्टर बाय विलियम शेक्सपियर, इज फाउंड इन मोर देन वन ऑफ प्लेज, तो अब ये एक से ज़्यादा वर्क में कौन सा कैरेक्टर यूज हुआ है जो कि कॉमिक कैरेक्टर भी है, सर जॉन फाल्स्टफ, एरियल, क्लोडियस और एंटोनी। सो सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन ए, सर जॉन फाल्स्टफ, ये एक कॉमिक कैरेक्टर है जो हेनरी फोर्थ में भी यूज हुआ है और मैरी वाइफ्स में भी ये आया है। ओके, देन 46, केलियार्ड स्कूल इज अ टर्म अप्लाइड टू द राइटर्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्कॉटिश राइटर्स हु रोट ऑन रिलीजियस सेक्रीफाइसेस ऑफ द पुअर्स, बी अ क्लास ऑफ रोमांटिक फिक्शन अफेक्टिंग टू डिस्क्राइब विद मच यूज ऑफ द वर्नाक्यूलर कॉमन लाइफ इन स्कॉटलैंड, सी अ ग्रुप ऑफ एन आयरिश नॉवलिस्ट राइटिंग ऑन द ग्रोथ ऑफ आयरिश रीजनलिज्म, डी अ क्लास ऑफ क्लासिकल प्रोज इम्पोजिंग। सो क्वेश्चन नंबर 46, द करेक्ट आंसर विल बी बी, अ क्लास ऑफ रोमांटिक फिक्शन अफेक्टिंग टू डिस्क्राइब विद मच यूज ऑफ द वर्नाक्यूलर कॉमन लाइफ इन स्कॉटलैंड। क्वेश्चन नंबर 47, मच डैमेज एंड मिसफॉर्च्यून कॉज्ड बाय नेचर इज नोन एज, जो प्राकृतिक रूप से जो आपदाएं आती हैं उसको बताना है, क्या बोलते हैं। सो ए कैलामिटी, बी फैकेड, सी पेन्योरी एंड डी फर्टिलिटी। सो
द करेक्ट आंसर विल बी ए कैलामिटी मीन्स प्राकृतिक आपदाएं। पेन्योरी क्या होता है? गरीबी होती है। और जो फर्टिलिटी है, फर्टिलिटी क्या होती है? उपजाऊपन। और ये जो फैकेट दिया हुआ है, इस फैकेट का मीनिंग होता है मुखोटा। सो कैलामिटी प्राकृतिक आपदाएं, फैकेट मुखोटा, सी पेन्योरी गरीबी एंड फर्टिलिटी उपजाऊपन। 48 सी मस्ट ट्राई एट मेकिंग हिम अंडरस्टैंड। सो मेकिंग हिम अंडरस्टैंड के प्लेस पे देखना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे। ए टू मेक हिम अंडरस्टैंड, बी टू मेक हिम अंडरस्टैंड। यहाँ पे टू आया है टू अंडरस्टैंड, और यहाँ पे टू नहीं आया, टू मेक हिम अंडरस्टैंड। सी टू मेक हिज अंडरस्टैंडिंग एंड डी नो इम्प्रूवमेंट। सो क्वेश्चन नंबर 48 द करेक्ट आंसर विल बी बी हेयर टू मेक हिम अंडरस्टैंड। 49 हु कॉइन्ड द टर्म एग्नोस्टिक इन 1869। सो फ्रांसिस जेफरी, थॉमस हक्सले, एल्डर्स हक्सले और जोवेट बेंजामिन। सो क्वेश्चन नंबर 49 द करेक्ट आंसर विल बी बी हेयर थॉमस हक्सले। 50 क्वेश्चन एंड नेवर लिफ्टेड अप अ सिंगल स्टोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइपरबल, पैराडॉक्स, लिटोटिस और अंडर स्टेटमेंट। सो क्वेश्चन नंबर 50 द करेक्ट ऑप्शन विल बी डी हेयर अंडर स्टेटमेंट। हाइपरबल में क्या होता है? बढ़ा चढ़ा के किसी बात को बोलते हैं, और अंडर स्टेटमेंट में किसी चीज़ को घटा घटा के बोलते हैं। जैसे एंड नेवर लिफ्टेड अप अ सिंगल स्टोन, तो कभी भी उसने एक सिंगल स्टोन भी नहीं उठाया, मीन्स छोटे से छोटा काम भी नहीं किया, तो ये क्या हो गया? किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा घटा के बोलना, तो दैट इज अंडर स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 51 कोरियोलेनस इज अ डैश हीरो। तो कोरियोलेनस कैसा हीरो है? ग्रीक हीरो, इटालियन हीरो, रोमन हीरो और एंशियंट हीरो। सो क्वेश्चन नंबर 51 द करेक्ट ऑप्शन इज सी हेयर रोमन हीरो। क्वेश्चन नंबर 52 द राइम स्कीम ऑफ राउंडेल इज। राउंडेल की हमें यहाँ राइमिंग स्कीम बतानी है, सो देख लीजिए अच्छे से चारों ऑप्शन। द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर ए बी बी ए, ए बी ए बी, ए बी बी ए ए, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। 53 क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डार्क कॉमेडी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से डार्क कॉमेडी कौन सी है? ए टेमिंग ऑफ श्रू, बी द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, सी ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल एंड डी मेसर फॉर मेसर। सो 53 क्वेश्चन द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। 54 वन ऑफ द बेस्ट ड्रामाज एवर रिटन बाय विलियम शेक्सपियर नोन एज द डार्केस्ट ऑफ द डार्क कॉमेडी। पहली थी डार्क कॉमेडी जिसमें ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल थी, और इसमें है डार्केस्ट ऑफ द डार्क। सो डोंट बी कन्फ्यूज इन बोथ क्वेश्चंस। सो मेसर फॉर मेसर, एज यू लाइक इट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस एंड डी 12th नाइट। सो क्वेश्चन नंबर 54 द करेक्ट आंसर विल बी ए हेयर मेसर फॉर मेसर। क्वेश्चन नंबर 55 माई फ्रेंड सेड टू मी हैज योर फादर रिटर्न फ्रॉम कलकत्ता। सो देखिए इसमें हमें क्या है, नरेशन चेंज करनी है। इन डायरेक्ट सॉरी डायरेक्ट इस दिया हुआ है ये, और हमें इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। सो माई फ्रेंड सेड टू मी, तो सेड टू के प्लेस पे क्या आएगा? अगर ये यहाँ पे हमारा इंटरोगेटिव है तो यहाँ आस्क्ड आ जाएगा। ये योर फादर दिया हुआ है, सेकंड पर्सन है, तो यहाँ मी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो माई फादर हैज है, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है, तो इसका पास्ट परफेक्ट चेंज हो जाएगा, हैड हो जाएगा इसका। और रिटर्न फ्रॉम कैलकटा, दैट इज द सेम आंसर। सो यहाँ पे देख लेते हैं, ऑप्शन ए माई फ्रेंड सेड टू मी, तो सेड टू तो होता ही नहीं अगर यहाँ ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो। बी माई फ्रेंड आस्क्ड मी इफ माई फादर
had returned from Calcutta. Then see, my friend told me that his father had returned from Calcutta, and D, my friend inquired me if his father had returned from Calcutta. So 55 question, the correct answer will be B here. My friend asked me if my father had returned from Calcutta. So यहाँ देखिए my father यहाँ पे दिया हुआ है, तो that is correct option. इन दोनों में his दिया हुआ है, दोनों wrong हो जाएंगे. यहाँ my father दिया है लेकिन साथ में has है, that is also wrong. तो B is correct option. 56 question, Rajesh said I bought a car yesterday. इसको भी हमें indirect में change करना है. So Rajesh said I bought. तो I हमारा क्या है, first person है, तो subject के according ही change होगा. Object यहाँ पहले से ही दिया हुआ नहीं है, तो इसके according क्या हो जाएगा, ये he हो जाएगा. और bought ये हमारा क्या है, simple past है, और simple past को हम past perfect में change करते हैं. तो देख लेते हैं कौन सा correct option है इनमें. A, Rajesh said that I have bought a car the previous day. Rajesh told that he had bought a car yesterday. C, Rajesh said that he bought a car the previous day. And D, Rajesh said that he had bought a car the previous day. So 56, the correct option will be D here. Rajesh said that he had both. ये हमारा past में भी change हो गया है, past perfect में he had both a car, और yesterday को हमें previous day में change करना होता है. So that is correct. यहाँ पे भी ये देखिए past में दिया तो है past perfect में, लेकिन yesterday को change नहीं किया, इसलिए यहाँ पे wrong हो गया है. ये present में दिया है ये इसलिए wrong है, और ये हमारा सिंपल पास्ट है इसलिए रॉन्ग है. तो डी इज करेक्ट ऑप्शन. 57 क्वेश्चन, द चेयर सी सैट इन लाइक अ बर्निश्ड थ्रोन ग्लोड ऑन द मार्बल. इन दिस एग्जाम्पल टी एस एलियट गिव्स एक्सप्रेशन टू हेलेन ऑफ ट्रॉय. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो एग्जाम्पल बताना है किस चीज का है ये, एल्यूजन, एलिट्रेशन, लिसोटिस और एसोनेंस. So 57 question, the correct option will be A here, allusion. 58 question, who argued that Milton deserves credit for making God wigged since the God of Christianity is a wigged God? So William Shakespeare, William Empson, William Thomson or P.B. Shelley. 58 question, the correct answer will be B, William Empson. 59 क्वेश्चन, विच शेक्सपियर प्ले इज कन्वर्सेशन प्ले. तो कन्वर्सेशन प्ले बताना है इनमें से कौन सा है, मच एडो अबाउट नथिंग, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, कॉमेडी ऑफ एरर्स और लव लेबर्स लॉस्ट. 59 क्वेश्चन, द करेक्ट ऑप्शन विल बी डी हेयर, लव लेबर लॉस्ट. 60 क्वेश्चन, इन विच शेक्सपियरियन प्ले डज द कैरेक्टर बेनेडिक्ट अपियर. तो बेनेडिक्ट बताना है कौन से प्ले का कैरेक्टर है, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, मच एडो अबाउट नथिंग, मैसर फॉर मैसर और 12th नाइट. सो क्वेश्चन नंबर 60, द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी, मच एडो अबाउट नथिंग. इसमें बेनेडिक्ट है, बीट्रिस है, हीरो है ना. सो ये मच एडो अबाउट नथिंग का कैरेक्टर है. कैरेक्टर हमें अच्छे से लर्न करने हैं, कौन सा कैरेक्टर कौन से प्ले का है. 61 क्वेश्चन, मिल्टन डिफाइंड हिज व्यूज ऑफ ग्रीक प्रीफेस. तो ग्रीक प्रीफेस का जो व्यू मिल्टन ने कौन से वर्क में दिखाया है, पैराडाइज लॉस्ट, सैमसन एगोनिस्टिस, पैराडाइज रिगेन्ड और लिसिडास. सो क्वेश्चन नंबर 61, द करेक्ट आंसर विल बी बी हेयर, सैमसन एगोनिस्टिस. क्वेश्चन नंबर 62, द राइम स्कीम ऑफ ओटावा रीमा. तो ओटावा रीमा की राइमिंग स्कीम बतानी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं. तो चारों ऑप्शन देख लीजिए आप, द करेक्ट ऑप्शन विल बी डी हेयर, ए बी ए, बी ए बी, सी सी. 63 क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ इन द सॉलिटरी रीपर एड्रेसेस एन इनएनिमेट एंटिटी एज बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड योन सॉलिटरी हाईलैंड लेस.
रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ स्टॉप हियर और जेंटली पास. तो दिस एड्रेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीमोरन, एपोस्ट्रोफी, साइनिडोकी एंड डी जोगमा. सो द करेक्ट आंसर विल बी बी हेयर एपोस्ट्रोफी. देन 64 क्वेश्चन. द लोअर क्लास वॉज रिप्रेजेंटेड इन गर्ल्स वर्दी. तो गर्ल्स वर्दी के कौन से प्ले में लोअर क्लास को रिप्रेजेंट किया गया है ये हमें यहाँ बताना है. ए द कंट्री हाउस, बी फोरसाइट सागा, सी फ्रेटर्निटी एंड डी नन ऑफ दी एबव. सो क्वेश्चन नंबर 64, द करेक्ट आंसर विल बी ए द कंट्री हाउस. 65 क्वेश्चन. विच अमंग द शेक्सपियरियन प्लेज इज अ ट्रेजिडी ऑफ ब्लड. तो ट्रेजिडी ऑफ ब्लड कौन सी है इनमें से, किंग लियर, हैमलेट, ओथेलो एंड टाइटस एंड्रोनिकस. सो द करेक्ट आंसर विल बी डी हेयर टाइटस एंड्रोनिकस. देन 66 क्वेश्चन. विच प्ले कंट्रास्ट द फेट्स ऑफ द वेरियस स्टोरीज इन अ होटल. तो किसी होटल की वेरियस स्टोरीज का बताना है हमें. कौन से यहाँ से प्ले से लिया गया ये कॉन्सेप्ट, द रूफ, जोसलिन, एस्केप और नन ऑफ दीज. द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 66 इज ए द रूफ. 67 क्वेश्चन. इन अ समर सीजन व्हेन सॉफ्ट वॉज द सोनी इज एन एग्जाम्पल ऑफ एल्यूजन, अंडर स्टेटमेंट, एलिट्रेशन एंड एंटी थेसिस. द करेक्ट आंसर इज सी हेयर एलिट्रेशन. एस इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन इन द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स. सो ये एलिट्रेशन है. 68 क्वेश्चन. वाट काइंड ऑफ वर्क इज सैमसन एगोनिस्टिस. सो सैमसन एगोनिस्टिस का टाइप बताना है कौन सा है, वर्स प्ले, एपिक, लिरिकल ड्रामा और शॉर्ट स्टोरी. सो द करेक्ट आंसर विल बी ए हेयर वर्स प्ले. 69. वाट वाज कन्फर्ड अपॉन गर्ल्सवर्दी इन 1929. तो 1929 में गर्ल्सवर्दी को क्या मिला है, ऑर्डर ऑफ डिमेरिट, बुकर प्राइज, ऑर्डर ऑफ मेरिट और नन ऑफ दीज. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी हेयर ऑर्डर ऑफ मेरिट. 70 क्वेश्चन. एजुकेशन इज सिंपली रूइनिंग द लोअर क्लासेस. तो ये लाइन बतानी है कौन से वर्क से ली गई हैं. सो द पिजन, सिल्वर बॉक्स, लॉयल्टीज एंड द स्किन गेम. सो क्वेश्चन नंबर 70, द करेक्ट ऑप्शन इज बी हेयर सिल्वर बॉक्स. 71. हु रोट द क्रिटिकल वर्क द रिटर्न टू एडेन, फाइव एसेज ऑन मिल्टन्स एपिक्स. तो ये वर्क बताना है किसने लिखा है. सो टी एस इलियट, आई ए रिचार्ड्स, नॉर्थरोप फ्राई एंड एफ आर लेविस. द करेक्ट ऑप्शन इज सी हेयर नॉर्थरोप फ्राई. 72 क्वेश्चन. सी हैज अ हार्ट ऑफ स्टोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ साइनिडोकी, जुगमा, सिमली एंड मेटाफर. द करेक्ट ऑप्शन इज डी हेयर मेटाफर. क्योंकि हार्ट को यहाँ पे कंपैरिजन के बजाय हार्ट को स्टोन ही मान लिया है यहाँ पे इन्होंने, तो ये मेटाफर है हमारा. 73. A distinction is made between a miracle play and a mystery play in the country. So, कौन सी कंट्री में जो इन दोनों में distinction किया गया है, miracle play में और mystery play में. So, A. England, B. France, C. Italy and D. Spain. So, 73 question. The correct answer is B here, France. 74. Which figure of speech is in the following example? So, like a high-born maiden in a palace tower, soothing her love-laden soul in secret with music sweet as love which overflows her bower. तो यहाँ बताना है हमें figure of speech कौन सा है ये.
सो रिटोरिकल क्वेश्चन, मेटाफर, सिमली और नन. द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर, सिमली. 75. इन विच ईयर डिड चार्ल्स फर्स्ट साइन द पिटीशन ऑफ राइट्स. तो कौन से ईयर में चार्ल्स फर्स्ट ने साइन किए थे पिटीशन ऑफ राइट्स पर. 1625, 1626, 1627 और 1628. सो द करेक्ट आंसर विल बी डी हेयर, 1628. 76 क्वेश्चन. हिज ओनर रूटेड इन डिस ओनर स्टूड एंड फेथ अनफेथफुल कैप्ट हिम फॉल्सली ट्रू. ये एग्जाम्पल बताना है किस चीज़ का है. ए ऑक्सीमोरन, बी रेटोरिकल क्वेश्चन, सी पैराडॉक्स एंड डी जुगमा. सो क्वेश्चन नंबर 76, द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए हेयर, ऑक्सीमोरन. अब देखिए ऑक्सीमोरन क्या होते हैं, जहाँ दो ऑपोजिट वर्ड्स को हम साइड बाय साइड रखते हैं. जैसे यहाँ ओनर है या डिसओनर है, यहाँ फेथ है या अनफेथफुल है, यहाँ फॉल्सली और ट्रू दोनों ऑपोजिट वर्ड्स हैं ये, तो ये हमारा ऑक्सीमोरन करेक्ट हो जाएगा. 77. एज अ पेंटर ऑफ द फिजिकल यूनिवर्स एंड ऑफ द सोल, जॉन गॉल्सवर्थी इज अ पोएट. सो हु मेड द कॉमेंट. ये कॉमेंट किसने कही है गॉल्सवर्थी के बारे में. टी एस एलियट, एम अर्नोल्ड, जॉन कैसे और जॉन मिल्टन. द करेक्ट ऑप्शन इज ए हेयर, टी एस एलियट. 78 क्वेश्चन. द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम फॉर इविल न्यूज राइट्स पोस्ट वाइल गुड न्यूज बेट्स. तो ये लाइन कहाँ से ली गई है. पैराडाइज रिगेन्ड, सैमसन एगोनिस्टिस, पैराडाइज लॉस्ट एंड कॉमर्स. सो क्वेश्चन नंबर 78, द करेक्ट आंसर विल बी बी हेयर, सैमसन एगोनिस्टिस. विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न विद प्रेजिंग समवन. तो किसी की प्रेज करने से रिलेटेड टर्म कौन सा है इसमें. ऑप्शन ए पैस्टिक, बी फोर्टनीर, सी पैनेजरिक एंड डी मेलाप्रोपिज्म. सो क्वेश्चन नंबर 79, द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी हेयर. क्वेश्चन नंबर 80, द 100 ईयर्स वार वाज ओरिजिनेटेड इन. जो 100 ईयर्स वार हुई थी वो कब स्टार्ट हुई थी. सो द कॉन्क्वेस्ट ऑफ 1066, बी द कॉन्क्वेस्ट ऑफ 1067, सी द कॉन्क्वेस्ट ऑफ 1068 एंड डी द कॉन्क्वेस्ट ऑफ 1069. सो क्वेश्चन नंबर 80, द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए हेयर, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ 1066. 81 क्वेश्चन. चूज द करेक्ट ऑप्शन आफ्टर पंचुएटिंग द फॉलोइंग सेंटेंस. तो ये पंचुएट करना है हमें, तो वीडियो को पॉज करके चारों ऑप्शन को अच्छे से देख लीजिए. सो आई होप आपने अच्छे से देख लिया होगा ये क्वेश्चन के ऑप्शन. सो द करेक्ट आंसर विल बी बी हिस्ट्री. इट हैज बीन सेड इज द एसेंस ऑफ इननमरेबल बायोग्राफीज. क्वेश्चन नंबर 82, द रिजल्ट डैश अ वार इज ओनली डेस्ट्रक्शन. इसमें हमें प्रेपोजिशन फिल करने हैं. सो द करेक्ट आंसर विल बी ए, द रिजल्ट ऑफ अ वार इज ओनली डेस्ट्रक्शन. देन 83 क्वेश्चन. ही डाइड डैश वॉन्ट ऑफ मेडिकल एड. तो ऑफ, टू, विद एंड फ्रॉम. क्वेश्चन नंबर 83, द करेक्ट आंसर विल बी फ्रॉम. ही डाइड फ्रॉम वॉन्ट ऑफ मेडिकल एड. 84 क्वेश्चन. द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम लव क्वेरल्स इज ऑफन इन प्लीजिंग कनकॉर्ड एंड. तो ये लाइन कौन से वर्क से ली गई है. नोट वेडलॉक ट्रेचरी. सो ए सैमसन एगोनिस्टिस, बी कॉमर्स, सी पैराडाइज लॉस्ट एंड डी लिसिडस. सो द करेक्ट आंसर विल बी बी हेयर, कॉमर्स. 85 क्वेश्चन. योर एक्शन इज नॉट डैश कन्फर्मिटी विद द लॉ. सो ए ऑफ, बी टू, सी विद एंड डी इन.
सो क्वेश्चन नंबर 85, द करेक्ट ऑप्शन विल बी डी, इन योर एक्शन इज नॉट इन कन्फर्मिटी विद द लॉ. 86 क्वेश्चन, सी इज ऑलवेज डैश एनमिटी विद हर नेबर्स. यहाँ भी हमें प्रेपोजिशन फिल करना है, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी. सी इज ऑलवेज एट एनमिटी विद हर नेबर्स. 87, चूज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द idiom. और idiom क्या है? इन डच. तो इसका हमें मीनिंग बताना है. ए वेरी इंटीमेट, बी म्यूचुअल एडजस्टमेंट, सी क्लोज फाइट एंड डी इन ट्रबल. सो द करेक्ट आंसर इज डी हेयर, इन ट्रबल. 88, द idiom डू द डच मीन्स लैंग्वेज स्पोकन बाय द डच, अनइंटेलिजिबल लैंग्वेज, लॉन्ग डिस्टेंस मार्च और कमिट सुसाइड. सो क्वेश्चन नंबर 88, द करेक्ट ऑप्शन विल बी डी हेयर, कमिट सुसाइड. 89 क्वेश्चन, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग idiom आउट ऑफ द फोर रिस्पॉन्सेज गिवन आफ्टर इट. कोल्ड कम्फर्ट, तो कोल्ड कम्फर्ट का हमें यहाँ मीनिंग बताना है. सो इनडिफरेंटली, पुअर कंसोलेशन, अनइंटेंशनली और इन एंगर. सो क्वेश्चन नंबर 89, द करेक्ट आंसर विल बी बी, पुअर कंसोलेशन. 90 क्वेश्चन, व्हाट डज द अंडरलाइंड एक्सप्रेशन मीन, एवरी वर्डिक्ट दैट ही गेव वाज सुई जेनेरिस. तो इसका हमें बताना है मीनिंग. सो वेल बैलेंस्ड, सेंसेशनल, चैलेंजेबल और यूनिक. सो द करेक्ट आंसर इज डी हेयर, यूनिक. क्वेश्चन नंबर 91, व्हाट डज द idiom किस द रोड मीन्स. सो ए कॉम्प्लिकेटेड वेब, बी अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, सी असेप्ट पनिशमेंट एंड डी एन अनएंडिंग लाइफ. क्वेश्चन नंबर 91, द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी, असेप्ट पनिशमेंट. 92, व्हेन वन लाइन ऑफ पोएट्री रन्स इनटू द नेक्स्ट विद नो पंचुएशन टू स्लो द रीडिंग, इट इज अ केस ऑफ. जब पोएट्री की बहुत सारी जो लाइंस लिखी होती हैं उसमें क्या होता है, एक लाइन दूसरी लाइन में चली जाती है विदाउट एनी पंचुएशन मार्क. तो क्या होता है यहाँ पे, ए सेजुरा, बी कॉन्सोनेंस, सी एंजेबमेंट एंड डी हाइपरबल. सो क्वेश्चन नंबर 92, द करेक्ट ऑप्शन इज सी हेयर, एंजेबमेंट. 93, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विक्टोरियन एज. तो विक्टोरियन एज के बारे में बताना है कौन सा रॉन्ग है इसमें. द राइस ऑफ अ हाईली कॉम्पिटेटिव इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, बी एन एम्फेसिस ऑन स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड सोशल बिहेवियर, सी अ रोमांटिक फोकस ऑन होम एंड फैमिली एंड डी द ग्रोथ ऑफ रूरल ट्रेडिशंस एंड मूवमेंट फ्रॉम लार्ज सिटीज. सो द करेक्ट आंसर विल बी डी हेयर, द ग्रोथ ऑफ रूरल ट्रेडिशंस एंड मूवमेंट फ्रॉम लार्ज सिटीज. 94 क्वेश्चन, विच ऑफ दीज ग्रीक प्लेज वाज अ सोर्स फॉर द विंटर्स टेल. तो विंटर्स टेल का सोर्स बताना है, ग्रीक प्लेज में से कौन सा सोर्स है इसका. चार ऑप्शन अच्छे से देख लीजिए आप. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी, एल्चेस्टीज. देन 95, स्वीट इज द लोर विच नेचर ब्रिंग्स, आवर मेडलिंग इंटेलेक्ट मिस शेप्स द ब्यूटियस फॉर्म ऑफ थिंग्स, वी मर्डर टू डिसेक्ट वर्ड्स वर्ड्स. सो विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट समराइज द स्पीकर्स पोजिशन. ए नेचर इज इनकम्प्लीट विदाउट अ ह्यूमन विटनेस टू अटेस्ट टू इट्स ब्यूटी, बी Human endeavors will succeed only if the laws of nature are taken into account. C. Nature yields a pleasure superior to that derived from intrusive human inquiry. And D.
The flaws inherent in human nature are also evident in the natural world. So, question number 95. The correct option will be C. Nature yields a pleasure superior to that derived from intrusive human inquiry. 96 question. Two among the following critical journals became strongly associated with new criticism. So, Partisan Review, Southern Review, Canyon Review, or Hudson Review. So, the right combination according to the code is. तो इन चारों में से देखना है कौन सा correct है. So, question number 96, C is correct option. B and C, Southern Review and Canyon Review. 97. The famous sonnet of John Milton beginning, when I considered how my light is spent. तो ये कौन सा सोनेट है? ये सोनेट है on his blindness. तो इसमें बताना है ends with. Means इसकी last line कौन सी है? So A, before me stares a wolf's eye, behind me creeps a groan or sigh. B, they also serve who only stand and wait. C, and which is more, you will be a man, my son. And D, and bless him for the sake of him that's gone. So, question number 97. The correct option will be B here. They also serve who only stand and wait. 98 question. Which of the following is not a school associated with the romantic period in English literature? So, romantic period se kaun sa associated nahi hai isme? The Cockney school, the fireside school, the lake school, or the satanic school. So, the correct option will be B here, fireside school. 99. The idea of new ethnicities in post-war Britain was advanced by. So, Donald Hall, Stuart Hall, Paul Gilroy, and Hanif Curacy. So, 99 question, the correct option will be B, Stuart Hall. 100 question, a new series called New Essence was launched by Methuen in 1977. The first title to be published in the series was A, Deconstruction, Theory and Practice, B, Formalism and Marxism, C, Structuralism and Semantics, D, Making and Difference, Feminist Literary Criticism. So, 100, the correct option is C here, Structuralism and Semiotics. 101, where there is a leisure for fiction, there is little grief, was Samuel Johnson's criticism of a famous poem. So, which poem was it? So, A, P.B. Selig, Adonis, B, Philip Sidney's Astrophel and Stella, C, Thomas Gray's Elegy Written on a Country Churchyard, and D, John Milton's Lycidas. So, 101, the correct option is D here, John Milton's Lycidas. अब यहाँ पे ये अनसीन पैसेज है, इसको आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख लीजिए. इसके मैं आपको आंसर बता देती हूँ. सो 102, माल्थस डूम्सडे प्रेडिक्ट डिड नॉट कम ट्रू ड्यू टू two major reasons. So they are A, rapid growth in population and industrial development, B, very slow growth in popular and modern agricultural practices and better irrigation, C, increase in per capita income and economic progress, D, better facilities in health and hygiene. So 102, the correct answer is A, rapid growth in population and industrial
डिवेलपमेंट। 103 इन द पास्ट 45 ईयर्स इंडियाज पॉपुलेशन हैज ग्रोन अबाउट, तो जो पास्ट 45 ईयर्स हैं उसमें इंडिया की जो पॉपुलेशन है कितनी बड़ी है, सो 3.5 times, 1.5 times, 5 times एंड 2.5 times। सो द करेक्ट आंसर विल बी हेयर 1.5 times। 104 फूड प्रोडक्शन हैज ऑलवेज बीन पॉपुलेशन ग्रोथ, सो स्लो, अहीड, एडिक्वेट और स्टेगनेंट। सो 104 द करेक्ट ऑप्शन इज डी हेयर, स्टेगनेंट। 105 इन द डिवेलपिंग कंट्रीज द बर्थ रेट इज इंक्रीजिंग, डबलिंग, फॉलिंग और स्टैटिक। सो 105 द करेक्ट ऑप्शन इज बी हेयर, डबलिंग। 106 इंडियाज फूड प्रोडक्शन फ्रॉम 1951 टू 1995 ग्रू नियरली 5 times, 4 times, 3 times और 2 times। द करेक्ट ऑप्शन इज बी हेयर, 4 times। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, 4 spelling दी हुई हैं, अच्छे से देख लीजिए, हमें इसमें करेक्ट स्पेलिंग फाइंड आउट करनी है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी, एकमोडेशन, accommodation, इसमें देखिए डबल सी आएगा और डबल एम आएगा। देन 108 एडमिशन, सो द करेक्ट स्पेलिंग इज बी हेयर, ADMISSION, एडमिशन। 109 एड्रेस, द करेक्ट स्पेलिंग विल बी बी हेयर, ADDRESS। देन चेंज द वॉइस, हमें वॉइस चेंज करनी है यहाँ। सो द फॉरनर्स प्रेज्ड रविंद्रनाथ टैगोर्स गीतांजलि, इंडियन क्रिटिक्स इग्नोर्ड इट इन द बिगिनिंग। सो यहाँ पे भी हमारा सिंपल पास्ट में दिया हुआ है और ये हमारा इंडियन क्रिटिक्स इग्नोर्ड इट, ये भी हमारा सिंपल पास्ट में दिया हुआ है। तो देख लेते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन, ए थ्रू रविंद्रनाथ दाऊ रविंद्रनाथ टैगोर्स गीतांजलि इज प्रेज्ड बाय फॉरनर्स, इट वॉज इग्नोर्ड बाय इंडियन क्रिटिक्स इन द बिगिनिंग। बी दाऊ रविंद्रनाथ टैगोर्स गीतांजलि वॉज प्रेस्ड बाय फॉरनर्स, इट हैड बीन इग्नोर्ड बाय इंडियन क्रिटिक्स इन द बिगिनिंग। सी दाऊ रविंद्रनाथ टैगोर्स गीतांजलि वॉज प्रेस्ड बाय फॉरनर्स, इट हैज बीन इग्नोर्ड बाय इंडियन क्रिटिक्स इन द बिगिनिंग। एंड डी गीतांजलि वॉज प्रेस्ड बाय फॉरनर्स, इट वॉज इग्नोर्ड बाय इंडियन क्रिटिक्स इन द बिगिनिंग। सो यहाँ पे दोनों हमारे सिंपल पास्ट में दिए हुए हैं, तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन ए, यहाँ पे इज प्रेस्ड ये रॉन्ग हो गया, सिंपल पास्ट चाहिए हमें। यहाँ वाज प्रेस्ड हमारा सही है, तो यहाँ पे हैड बीन आ गया है, ये रॉन्ग हो गया है। यहाँ पे देखते हैं वाज प्रेस्ड ये हमारा ठीक है, लेकिन यहाँ पे हैड बीन इग्नोर्ड आ गया है, ये रॉन्ग हो गया है। और यहाँ पे वाज प्रेस्ड और यहाँ पे भी वाज इग्नोर्ड, तो ये डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। 111 द सिक्योरिटी गार्ड्स हैड ब्लॉक्ड एवरी एग्जिट, तो यहाँ पे हेड ब्लॉक्ड आया है, तो ये हमारा क्या है, पास्ट परफेक्ट है, तो हमें इसको पास्ट परफेक्ट में ही चेंज करना है। तो पैसिव वॉइस में हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब देखकर भी हमें पता लग जाता है इजीली कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए हेड ब्लॉक्ड आया है और यहाँ भी हैड बीन ब्लॉक्ड है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ हैज बीन, वाज ब्लॉक्ड, वाज बीन, ये सब रॉन्ग है। 112 ही नीदर क्वेश्चंस नोर अंडरस्टैंड्स देम, ये हमारा सिंपल प्रेजेंट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ये, तो इसमें देखते हैं कौन सा करेक्ट होगा। दे हैव नीदर बीन क्वेश्चन नोर अंडरस्टूड बाय हिम, दे आर नीदर क्वेश्चन नोर अंडरस्टूड बाय हिम, दे वर नीदर क्वेश्चन नोर अंडरस्टूड बाय हिम, एंड दे आर नीदर क्वेश्चन नोर हैव बीन अंडरस्टूड बाय हिम। सो क्वेश्चन नंबर 112 द करेक्ट ऑप्शन इज बी हेयर, यहाँ देखिए आर नीदर क्वेश्चन एंड नोर अंडरस्टूड बाय हिम, तो हमारा बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। 113 द फ्रेंच रिवोल्यूशन हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन, तो जो फ्रेंच रिवोल्यूशन है उसका जो इम्पैक्ट है वो किस पे पड़ा,
विक्टोरियन लिटरेचर, रोमांटिक लिटरेचर, न्यू क्लासिकल लिटरेचर एंड डी मॉडर्न लिटरेचर. द करेक्ट ऑप्शन इज बी हेयर, रोमांटिक लिटरेचर. 114. ऑन सीइंग होम डज मिरांडा एक्सक्लेम, ओ फादर श्योरली दैट इज अ स्प्रिट लॉर्ड, हाउ इट लुक्स अबाउट. तो ये जो स्टेटमेंट मिरांडा की है ये किसके बारे में है? कैलिबेन, फर्डिनेंड, अलोंजो एंड स्टीफेनो. सो 114 द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी हेयर, फर्डिनेंड. 115 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ इमेजिस्ट पोएट्री. तो इनमें से कौन सा इमेजिस्ट पोएट्री के बारे में ट्रू नहीं है? द पोइट स्प्रेड्स हिज लैंग्वेज अक्रॉस द एज दाउ लैंग्वेज वर सेंसेशन टू रिप्रोड्यूस द मेंटल इफेक्ट ऑफ इमेज, बी द इमेज इज इट सेल्फ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ विजन और लेंस एज वेल एज एन एक्सप्रेशन ऑफ इमेजिनेशन, सी द इमेजिस्ट लाइक अ साइंटिस्ट लर्न्स फ्रॉम हिस्ट्री एंड यूजेज इट एंड लाइक अ साइंटिस्ट डज नॉट डील इन इमोशंस एंड डी द न्यू आर्टिस्ट एज साइंटिस्ट फोकसिस विजन थ्रू इमेज एज अगेंस्ट द सिंबल विच रेसोर्ट्स टू रिडक्शन टू सिंप्लिसिटी. सो क्वेश्चन नंबर 115 द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी हेयर. 116 हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मिथ क्रिटिक. तो इनमें से कौन सा मिथ का क्रिटिक नहीं है? रॉबर्ट ग्रेव्स, रेमोंड विलियम्स, फ्रांसिस फर्ग्यूसन एंड डी नॉर्थरॉप फ्राई. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी रेमोंड विलियम्स. 117 आई डैश अ कफ टू अट्रैक्ट हर अटेंशन, सो गेव पैड टोक एंड सेंस. व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन हेयर? ए गेव, आई गेव अ कफ टू अट्रैक्ट हर अटेंशन. देन 118 एब्रीविएशन डैश स्पेस एंड हैंस दे आर वेरी कॉमन इन न्यूज पेपर हेडलाइंस. तो जो एब्रीविएशन होते हैं वो क्या करते हैं न्यूज पेपर में? कैच स्पेस, सेव स्पेस, टेक स्पेस और गिव स्पेस. सो 118 द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी हेयर, सेव. तो एब्रीविएशन सेव स्पेस. तो एब्रीविएशन क्या होता है? किसी बड़े लेटर को शॉर्ट, बड़े वर्ड को शॉर्ट में लिख लिया जाता है, तो वो क्या करता है? हमारे स्पेस को सेव करता है. 119 डू यू डैश अ डायरी, तो कीप, हैव, सेव और नो. सो 119 द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए हेयर, डू यू कीप अ डायरी. 120 चेंज द वॉइस, द ओल्ड वुमन picked up the heavy bag and great with great difficulty. तो इसमें हमें वॉइस में चेंज करना है, तो यहाँ पे फिर से हम टेंस देख लेते हैं. picked up में कौन सा टेंस है? इसमें हमारा पास्ट इंडेफिनेट टेंस है. और पास्ट इंडेफिनेट को कैसे पैसिव में कन्वर्ट करते हैं? वाज और वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. सो ए द हैवी बैग पिक्ड अप, यहाँ पे वाज वर्ब कुछ भी नहीं आया है. द हैवी बैग वाज पिक्ड अप बाय द ओल्ड वुमन, यहाँ देखिए वाज आया है. देन सी द ओल्ड वुमन पिक्ड वाज, तो ओल्ड वुमन के साथ पिक्ड वर्ब आ गई है पहले, ये रॉन्ग चला गया है. एंड द हैवी बैग वाज ग्रेट डिफिकल्टी, इसके साथ कोई वर्ब भी नहीं आई है, दैट इज रॉन्ग. सो 120 द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी हेयर, द हैवी बैग वाज पिक्ड अप बाय द ओल्ड वुमन with great difficulty. 121 have you seen film by Mel Gibson, तो ये हमारा present perfect tense है. तो present perfect में हमें has या have plus been plus verb third, इसका use करके passive voice बनाना होता है. तो has Mel Gibson shown you any film, B has any film by Mel Gibson been seen by you, C is any film by Mel Gibson seen by you and D had any film by Mel Gibson been seen by you. So the correct option is B here, has any film by Mel Gibson been seen by you. इसमें देखिए been का use कहीं नहीं हुआ,
यहाँ पे इज का यूज हुआ है और यहाँ पे हैड का यूज हुआ है, तो बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। 122, द टीचर वॉन्ट्स अस टू बी प्रेजेंट एट द असेंबली टुमोरो। सो ए, वी विल बी वॉन्टेड टू बी प्रेजेंट एट द असेंबली टुमोरो बाय द टीचर। बी, वी आर वॉन्टेड टू बी प्रेजेंट एट द असेंबली टुमोरो बाय द टीचर। सी, वी आर बींग वॉन्टेड टू बी प्रेजेंट एट द असेंबली टुमोरो बाय द टीचर। एंड डी, वी आर टू बी प्रेजेंट एट द असेंबली टुमोरो बाय द ऑर्डर ऑफ द टीचर। सो 122, द करेक्ट ऑप्शन इज बी हेयर, वी आर वॉन्टेड टू बी प्रेजेंट एट द असेंबली टुमोरो बाय द टीचर। Got it? 123, the term ecological imperialism was coined by, तो किसने इस टर्म को दिया है? वंदना शिवा, लॉरेंस ब्यूएल, पोलो फ्रेरी एंड अल्फ्रेड क्रॉसबाय। सो 123, द करेक्ट ऑप्शन इज डी हेयर, अल्फ्रेड क्रॉसबाय। 124, हु अमंग द फॉलोइंग इंग्लिश पोइट्स डिफाइंड पोइटिक इमेजिनेशन एज अ रिपीटेशन इन द फाइनाइट माइंड ऑफ द इटर्नल एक्ट ऑफ क्रिएशन इन द इनफाइनाइट आई एम। सो ब्लेक, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज एंड सैली। सो क्वेश्चन नंबर 124, द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी हेयर, कॉलरिज। सो 125 क्वेश्चन, स्टीलिंग हरसेल्फ टू द मर्डर लेडी मैकबेथ कॉल्स ऑन डैश टू अनसेक्स मी हेयर मैकबेथ। ये मैकबेथ में दिया हुआ है, चूज द राइट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो जो लेडी मैकबेथ है वो किसको ऐसे जो आह्वान करती है, ये लाइन बोलती है जब अनसेक्स मी हेयर, तो इसमें हमें करेक्ट ऑप्शन फिल करना है, गॉड, द स्पिरिट्स ऑफ हेल, द एंजल्स इन हेवन एंड डी, नो वन इन पर्टिकुलर। सो 125, द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी, द स्पिरिट्स ऑफ हेल, क्योंकि वो किंग डंकन को मारना चाहती थी तो वो ये लाइन यहाँ पे बोलती है। अपनी जो वुमन, जो उसकी फीलिंग्स है, जो उसके अंदर सिंपैथी है, उस सबको दबाकर उसको मैनली जो है पावर देने के लिए वो आह्वान करती है, किसका? द स्पिरिट्स ऑफ हेल का। तो यहाँ पे हमारा जो प्रैक्टिस सेट है ये कंप्लीट हो गया है। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में भी आप दे सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।